पूर्व एमएलसी और खनन माफिया हाजी मोहम्मद इकबाल उर्फ बाला पर शिकंजा कसता जा रहा है। वो पुलिस से बचता फिर रहा है। उधर पुलिस प्रशासन लगातार उसकी संपत्तियों को सीज करने में जुटा हुआ है। लखनऊ में पुलिस और प्रशासनिक टीम ने गोमती नगर में उसके करोड़ों के आलीशान बंगले को सीज कर दिया, जिसकी कीमत करीब 11 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसी कोठी को कुर्क करने के लिए सहारनपुर पुलिस गोमती नगर थाने पहुंची। सहारनपुर पुलिस गोमती नगर थाने की पुलिस के साथ विशाल खंड स्थित खनन माफिया के घर पहुंची और कुर्की के लिए मुनादी करवाई। उसके बाद कोठी को कुर्क कर लिया गया। बता दें कि हाल ही में सहारनपुर में हाजी इकबाल की करीब 200 करोड़ की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई हुई थी। पुलिस प्रशासन ने हाजी इकबाल की लखनऊ, सहारनपुर और नोएडा में संपत्ति चिन्हित की है। हाजी इकबाल पर 1,00,000 रुपए का पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा है। यही नहीं, वो भगौड़ा भी घोषित हो चुका है। फरार चल रहे हाजी इकबाल पर महिला उत्पीड़न, धोखाधड़ी, सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने समेत करीब 45 गंभीर अपराधों में मुकदमे दर्ज है। हाजी इकबाल के 4 बेटे और भाई जेल में हैं, लेकिन वो अब तक फरार है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। टाइम्स नॉन ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।